Assalamu alaikum. My name is Umair Ahmed and currently I'm a student of Faisalabad Medical University and today I'm going to narrate my story of ECAT. ECAT से पहले सिनेरियो कुछ ऐसे था कि FSC के हम स्टूडेंट थे, फर्स्ट ईयर के हमने एग्ज़ाम नहीं दिए, कोविड की वजह से लॉकडाउन था और सेकेंड ईयर के अभी एग्ज़ाम होने थे तो तैयारी उस तरह से नहीं हो पाई थी. लेकिन ECAT का एग्ज़ाम ना पहले आ रहा था FSC से पहले, तो तब हमने ये सोचा कि चलो ECAT का जो है ना एग्ज़ाम देख दे. अच्छा, ECAT देने का इस वजह से डिसाइड किया मैंने, एक्चुअली फ्रेंड्स के साथ हमने सबने मशवरा करके किया कि ECAT जो है ना वो MCAT से काफ़ी सिमिलर था और बायोलॉजी के जो स्टूडेंट हैं वो भी ECAT दे सकते थे. ये हमें उसी वक्त पता चला, पिछले साल में ये नहीं था, मेरे ख्याल 2-3 साल से स्टार्ट हुआ था. तो ECAT के इसके अलावा ये था कि वो द सेंटर में होना था और ऑनलाइन ही कंप्यूटराइज था, तो काफ़ी चीज़ें MCAT से मिलती जुलती थी, सिलेबस मिलता जुलता था. तो हमने कहा एक दफ़ा पता चल जाएगा कि हमें कितनी तैयारी है और दूसरा ये भी है कि ECAT का जो है ना टेस्ट में एक हमें कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि हमने एक टेस्ट जो है MCAT जैसा दे चुके हैं. तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम ECAT दें और MCAT के लिए एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हो गया. अब आती है टेस्ट डे की बारी. टेस्ट था हमारा मेरे ख्याल 1 माह पहले FSC से, तो टेस्ट की जो तैयारी है ना 1-2 दिन पहले, उसमें मैंने सोचा कि ऐसे करते हैं कि कुछ जो वर्कशीट्स हैं ना स्टेप की वो कर लेते हैं. मैंने 1-2 चैप्टर जो फर्स्ट ईयर के निकाल लें उनकी वर्कशीट्स की हैं. उस वक्त हमें ये डर था कि कहीं इतनी भी तैयारी कम ना हो कि हम फेल ही हो जाएं, तो कम से कम इतनी तैयारी होनी चाहिए कि बंदा पास हो जाए. लेकिन ये था कि टेंशन बिल्कुल नहीं थी क्योंकि हम तो सिर्फ एज आ टेस्ट केस दे रहे थे ना, कोई टेंशन नहीं थी. तो फिर हम उस दिन गए हैं, मेरे ख्याल दोपहर को कि शाम के टाइम था हमारा टेस्ट, हम उधर सब गए हैं और हमने टेस्ट दिया. तो फिर बाहर आए हैं हम, तो हमने बातचीत की है सबका, अलहमदिल्ला अच्छा हो गया और फिर जो है ना उम्मीद थी कि इंशाल्लाह हम अच्छे जो है ना मार्क्स आ जाएं. अब आती है बात रिज़ल्ट की, और ये मैं कहूँगा कि जो रिज़ल्ट वाली ये जो सिनेरियो है ना, ये इसमें MD CAT के स्टूडेंट्स के लिए भी और बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक. ECAT का जब रिज़ल्ट आया ना, तकरीबन मेरे ख्याल 1 वीक बाद आया MCAT से और ECAT के टेस्ट से 1 वीक बाद आया, और उसमें ये था कि हम सारे चेक कर रहे थे, दोपहर का टाइम था और मैंने भी चेक किया तो मुझे पता चला मेरे ना 298 मार्क्स आए आउट ऑफ 400. तो मुझे लगा बड़ा अच्छी बात है. लेकिन फिर बाद में दोस्त ने बताया कि ये वाले मार्क्स नहीं, इसके साथ वाले हैं स्केल्ड मार्क्स, वो एक सेपरेट लिखा होता है, उसको स्केल करके फिर करते हैं. वो थे 345. मुझे बड़ी खुशी हुई कि बहुत अच्छे आ गए हैं मार्क्स, लेकिन मुझे उस वक्त ये नहीं पता था कितने अच्छे आ गए मार्क्स. फिर रात के टाइम मेरा मैं सोया हुआ था तो उस वक्त मेरे दोस्त की कॉल आई है, उसने बताया मुझे, कहता यार बहुत मुबारक हो. मैंने कहा किस वजह से मुबारक हो? कहते तुम्हारी ECAT में 3rd पोजीशन आ गई. मैं बहुत हैरान हुआ कि यानी एक तरफ तो हमने तैयारी नहीं की थी टेस्ट की और हमें ये था कि हम फेल ना हो जाए, और दूसरी तरफ पोजीशन आ जाना, ये बहुत ज़्यादा जो है ना एक कंट्रास्टिंग चीज़ें थी. और उस दिन मुझे एक बात समझ आई कि वाकई में अल्लाह ताला चाहे तो आपको बग़ैर किसी मेहनत के भी नवाज सकते हैं, और अगर अल्लाह चाहे तो आप बहुत मेहनत करके भी जो है ना आपको इस दुनिया में ना कुछ ना मिले, लेकिन आखिरत में आपको मेहनत का ज़रूर मिलेगा. तो इसीलिए आप ये ज़रूर सोचें कि रिज़ल्ट आपके हाथ में नहीं है, रिज़ल्ट अल्लाह के हाथ में. आपके हाथ में जो चीज़ है वो है मेहनत, और आपने मेहनत कितनी करनी है MCAT के स्टूडेंट से फ़र्ज़ करें 200 out of 200 की मेहनत करनी. लेकिन अगर रिज़ल्ट जैसा भी आता है उसे एक्सेप्ट करें. अब अल्लाह ने वही आपके लिए बेहतर किया होगा. बड़े बड़े अजीम लोग थे जिन्होंने आम तो कॉलेज में स्कूल लाइफ में नाकाम हो गए, लेकिन दुनिया में फिर आगे ज़िंदगी में पढ़ के उन्होंने बहुत बड़े काम किए. तो ये आपने बिल्कुल इस चीज़ की स्ट्रेस नहीं लेनी, और रिज़ल्ट अल्लाह के हाथ में सोच कर मेहनत करनी. इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप न सिर्फ कामयाब होंगे बल्कि हिस्ट्री में जो है ना अपना कोई ना कोई निशान छोड़ेंगे. स्ट्रेस आपकी एफिशिएंसी को लो करती है. स्ट्रेस नहीं लेनी किसी चीज़ की. ECAT में मैंने स्ट्रेस नहीं ली, और फिर उसके बाद जो रिज़ल्ट आया वो उसे आप देख सकते हैं. वो तो अल्लाह ने नवाजा, अल्लाह ताला ने उसमें किया, लेकिन कुछ दुनियावी फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, और उसमें से एक ये कि स्ट्रेस आप बिल्कुल ना लें. और सेकेंडली अगर मैं इसको थोड़ा सा अपने MCAT के रिज़ल्ट से भी कंपेयर कर दूँ, MCAT का रिज़ल्ट नो डाउट अच्छा आया, मेरे 193 out of 210 थे, लेकिन वो था 60 days ऑफ स्ट्रेस के गुजारने के बाद. वो स्ट्रेस में काफ़ी टाइम गुजरा और उसमें टेंशन और ये सारी चीज़ें, और सारी प्रेपरेशन के बाद, जबकि ECAT में कोई प्रेपरेशन नहीं थी.
इन दोनों चीज़ों को रिलेट करें और फिर आप उसमें से एक मैसेज निकालें, और वही मेरी तरफ से आपके लिए टेक होम मैसेज। थैंक यू वेरी मच।